दोस्तों आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के यही फील होता है ना कि यार कभी कभी निफ्टी अपने मामू के घर चला जाता है तो कभी कभी बैंक निफ्टी अपने ही चाचा के घर में रह जाता है और पूरे दिन दोनों मिलके क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट करते हैं। कभी कॉल बाय किया तो स्टॉप लॉस हिट, कभी पुट बाय किया तो स्टॉप लॉस हिट। आदमी परेशान हो जाता है यार, हम करें तो करें क्या। बट दोस्तों जो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर लेवल्स वगैरह देता हूँ, एक बहुत एक्यूरेट होता है और अच्छा खासा काम देता है। अगर आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने आज सपोर्ट लेवल दिया दोस्तों लाइव मार्केट में, वहां से मार्केट घूम गया। एंड दोस्तों मैजिक आप देखिए, जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल दिया था वहां से मार्केट 200 पॉइंट फॉल हो गया। और इसी के चक्कर में दोस्तों स्टूडेंट आप देखिए 38,000 का प्रॉफिट, 25,000 प्रॉफिट, 29,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट, एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे रहा। जो हमारे कॉल टिप चैनल पे कॉल टिप दिया गया वो भी जैकपॉट निकला दोस्तों आज के इतना चौपी डे पे भी। तो कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता के रखा हूं, निफ्टी तो अपने आप बोल सकते हैं कि डेड जोन में क्लोजिंग दिया है, और वो डेड जोन क्या है, कॉल राइटर कहां पे फंसने वाले हैं वो हम वीडियो में इंटरेस्टिंग डाटा हम देखने वाले हैं। कल के दिन अगर आपने कॉल पुट होल्ड किया है तो वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, छोड़ के मत जाइए। बीच में एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कॉल राइटर के बारे में, तो बिल्कुल वीडियो को छोड़ के मत जाइए। अगर आपने कॉल पुट होल्ड करके रखा है तो किस तरफ मार्केट जा सकता है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करके कमेंट एक कर दीजिए कि आपका आज का लेवल्स कैसा लगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। और कल से दोस्तों फ्री में लाइव मार्केट में आपको लेवल मिलना चालू हो जाएंगे। हर दिन लेवल देता हूं, कल तो जो लेवल दिया था 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया, आज भी जो लेवल दिया एक्यूरेट काम किया। लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस दोस्तों फ्री में कौन देता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए टाइम पास नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम प्राइस सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे दोस्तों ऑप्शन चेन, ठीक है। अब वीडियो को आप ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक तो बनते हैं और जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से कि कल बैंक निफ्टी में होगा क्या और बैंक निफ्टी में बाइंग का पोजीशन कब बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को बीच में मत छोड़िए। कल के दिन बैंक निफ्टी में देखिए हमें कॉल कब बाय करना है, समझ लीजिए दोस्तों। कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, कंडीशन आप याद रखिए। और 33,774 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग गया तो ही हम कॉल बाय करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी कॉल के साइड आप बैठना मत। अगर गैप ओपनिंग होके भी 33,774 लेवल को ब्रेक किया तो ही हम कॉल बाय करेंगे, उसके ऊपर सस्टेन किया तो। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन और लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। और लाइव मार्केट में भी आज यही सेम जोन दिया था मैंने, देखिए 33,774 मैंने क्यों बोला, आप क्लियर कट देख सकते हैं यहां पे क्या है, एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि हां भाई यहां से तो मार्केट अच्छा खासा गिरा था, अगेन मार्केट गया। आप देखिए दोस्तों पिन पॉइंट जो मैं बताया 33,774 का लेवल, पिन पॉइंट उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया और यहां पे आप देखिए इतना बड़ा फॉल आया। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, एक बार यहां से फॉल आया, आप क्लियर कट देख सकते हैं सेकंड टाइम यहां से फॉल आया, अभी आप खुद ही देखिए दोस्तों थर्ड टाइम भी कहीं ना कहीं यही रेजिस्टेंस था, जैसे मैजिक की जैसा काम करते हैं। बस देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने दो बार दोस्तों यहां पे हिसाब किया, सेम रेजिस्टेंस यहां पे था, बट मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर गैप ओपनिंग हुआ और जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करने आया अगेन बन गया ये सपोर्ट। अब फिर आज के दिन मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया इस सपोर्ट के नीचे और फिर डब टच करने गया, यहां तो मेरे आज के दिन लेवल था लाइव मार्केट में कि भाई यहां से मार्केट गिरेगा और फिर मार्केट गिर के इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो बन गया ना दोस्तों बहुत सिंपल व्यू। आप क्लियर कट देखिए, ये पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, करेक्ट, अगेन क्या था, एक रेजिस्टेंस था, आप खुद ही देख लीजिए यहां पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट निकला और यही रेजिस्टेंस को टच करने आया तो ये रेजिस्टेंस सेम बन गया हमारे लिए सपोर्ट। अब ये सपोर्ट को फिर जब मार्केट ने तोड़ा, अगेन टच करने आया तो यही सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस। इसी रीजन की वजह से दोस्तों मैं बोल रहा हूं 33,774 के ऊपर अगर निकलता है कल फ्लैट ओपनिंग होके देन डेफिनेटली आप कॉल बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, 300 से 400 पॉइंट अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल व्यू क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब सेकंड व्यू दोस्तों, सेल कब करना है, अगर समझ लीजिए कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गया 100-200 पॉइंट का और 33,420 ये लेवल को आप याद रख लीजिए, ये लेवल का नाम भी आप देखिए दोस्तों 33,420 420 लेवल है और बिल्कुल सही दोस्तों नाम जैसा काम भी वैसा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों 420 जैसे ही ये लेवल टूटेगा ना अच्छा खासा फॉल आएगा, क्योंकि 33,420 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जैसे टूटेगा सीधे की सीधे नीचे जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी रीजन आप देखिए 33,420 का आप लेवल देखिए दोस्तों, ये क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि दोस्तों मार्केट देखिए ग्रीन 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 बना के कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया था, यहां से ही एक बड़ा सा फॉल आया था, क्लियर कट ऊपर गया यहां से ही फॉल आया। आप देखिए तो क्या थे यहां पे अच्छा खासा सेलर बैठे थे 33,420 के लेवल पे, सीधे नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसके ऊपर गैप ओपनिंग हुआ और यही सेम लेवल बन गया सपोर्ट। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही गैप
ओपनिंग हुआ, इसके ऊपर दोस्तों सस्टेन किया तो ये सपोर्ट बन गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ता हम पुट बाय नहीं करेंगे, यही सपोर्ट के नीचे आते ही दोस्तों हम पुट बाय करेंगे, तो 33,420 के नीचे ही हमें पुट बाय करना है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन, और यही मैं आपको ट्विस्ट बताने वाला हूं। अभी आप वीडियो को ध्यान से देखिए, देखिए बैंक निफ्टी कहां पे क्लोजिंग दिया है, 33,692, चलिए 700 ही पकड़ लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे दोस्तों। ये हमारा है कॉल राइटर, ये हमारा है पुट राइटर, इनका काम क्या है, हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इसीलिए दोस्तों ये आप बोल सकते हैं कि रेड जोन में रहते हैं। और ये पुट राइटर ये बेचारे क्या करते हैं, हमेशा हमारा सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसीलिए दोस्तों आप देखिए ये ग्रीन जोन में रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, तो कल के दिन हम करें क्या, देखिए 33,700 पे हमारा मार्केट ने क्लोजिंग दिया है इसके आसपास। कॉल राइटर को पहले देखते हैं कि भाई कहां कहां पे कॉल राइटर हैं, कहां कॉल राइटर फंसने वाले हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों कॉल राइटर का काम क्या है, नीचे लेके जाना, 33,700 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है, उनका हिम्मत देखिए दोस्तों, इसी लेवल पे ही कॉल राइटर कॉल राइट करके बैठे, हम तो हार नहीं मानेंगे भाई, यहां पे हम कॉल राइट करके बैठेंगे। 10 लाख प्लस कॉल राइटर दोस्तों 33,700 के लेवल पे बैठे हैं, तो यहां पे मैसिव कॉल राइटिंग हो चुका है, वो लेवल है 33,700, इसको कर लीजिए माइंड में भी फिट पूरे के पूरे। उसके ऊपर वाले लेवल दिखेंगे 33,800, 900, 34,000, कुछ खास कॉल राइटर नहीं है, ओनली 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, आंसर आपको मिल गया होगा 33,700, एक अच्छा खासा रजिस्टर। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला कॉल राइटर फंसेंगे और मार्केट ऊपर जाने वाला है, ओके। और दोस्तों पुट राइटर कहां पे बैठे हैं, 33,500, इसको भी आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, 13 लाख प्लस पुट राइटर बैठे, कॉल राइटर तो 10 लाख है लेकिन दोस्तों इनका कॉन्फिडेंस देखिए पुट राइटर का, 33,500 पे 13 लाख प्लस पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि अगर कल के दिन मार्केट 13 लाख के नीचे आना चालू हुआ देन डेफिनेटली आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी कि 33,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे गया तो पुट आपको बाय करना है। तो दोस्तों लेवल मिल गया कल के दिन 33,700 के ऊपर ही निकला तो कॉल बाय करना है, 33,500 के नीचे निकला तो पुट बाय करना है। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से हमारा निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है, ये एक मतलब आज के दिन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और बहुत अच्छा एक पैटर्न बना के क्लोजिंग दिया है। मैं आपको बताता हूं निफ्टी में कल के दिन बाय कब करना है, देखिए दोस्तों कल के दिन बाय करने के लिए निफ्टी अगर थोड़ा 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप ओपनिंग होके 15,927 ये अगर निकल गया, निफ्टी एक बार इसके ऊपर सस्टेन किया तो कभी ये झुकेगा नहीं, सच में बोल रहा हूं पूरे के पूरे ऊपर ही जाने वाला है, एक रॉकेट मूव देने वाला है अगर 15,927 के ऊपर निकला तो। अब आप पूछोगे भाई इस लेवल से इंपॉर्टेंट क्या है, किस किस कॉन्फिडेंस आप बता रहे हो, इसका छोटा सा दोस्तों एक रीजन है, आप क्लियर कट देखिए मैं ये लेवल क्यों बता रहा हूं। निफ्टी ने एक अच्छा क्लोजिंग भी दिया है, क्योंकि क्यों मैंने बोला अपने मामू के घर चला गया, अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए क्लियर कट आप देख सकते हैं, यहां पे मैं एक रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, निफ्टी क्या कर रहा है इसी रेड कलर को ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों फॉलो कर रहा था, यहां पे इसी रेड कलर का ट्रेंड लाइन को निफ्टी टच कर रहा था, नीचे आ रहा था, टच कर रहा था, नीचे आ रहा था, फाइनली क्या हुआ दोस्तों आप क्लोजिंग टाइम पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। अब क्या हो गया ये ट्रेंड हो गया चेंज, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा छोटा सा डाउन ट्रेंड था जिसको निफ्टी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे आ रहा था, फाइनली एंड होते तो क्या हुआ आज के दिन एंड होते होते इसके ऊपर दे दिया क्लोजिंग। अब ये हो गया दोस्तों बुलिश साइन। अब अगर 15,927 एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहां से ही मार्केट गिरना चालू हुआ था, अगर कल के दिन दोस्तों देखिए ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहला साइन हमें मिल चुका है दोस्तों, सेकंड साइन कब मिलेगा, 15,927 के ऊपर निकलना चालू होगा तो ही हमें कॉल बाय करना है, सिंपल सा व्यू बन गया ना। अब पुट बाय कब करना है, पुट के लिए दोस्तों 15,800 लेवल के नीचे अगर सस्टेन किया तो ही हमें पुट बाय करना है, इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 15,800 लेवल बताने के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, वो है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पे मैं एक ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, अब इसी ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को आप देखिए निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, यहां पे आप देखिए निफ्टी टच किया ट्रेंड लाइन को ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, तो एक बहुत ही सिंपल वे में एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी ऊपर जा रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को सीढ़ी की जैसा निफ्टी फॉलो कर रहा है। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गया बाय चांस और जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटेगा दोस्तों सपोर्ट टूट जाएगा और 15,800 के नीचे अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, आपको पुट बाय करना है। जल्दी से देख लेते दोस्तों ऑप्शन चेन, अब आ चुके हैं ऑप्शन चेन पे, ये हमारा कॉल राइटर है, ये हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस एंड दोस्तों पुट राइटर क्रिएट करते हैं हमारा सपोर्ट। निफ्टी कहां पे क्लोजिंग दिया था जरा देख लेते हैं, 15,874, चलिए 900 पकड़ लेते हैं, 850। अब देखिए दोस्तों यहां पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बन चुका है, 15,850 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, हिम्मत देखिए कॉल राइटर का, 15,800 पे ही 850 पे ही दोस्तों 16 लाख प्लस कॉल राइटर बैठे हैं,
15,900 का आप लेवल देखिए दोस्तों, 19 लाख प्लस कॉल राइटर बैठे हैं। 15,800 पे ये तो डीप इन द मनी में आता है, यहां पे आप देखिए 25 लाख प्लस कॉल राइटर बैठे हैं, यानी कि कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस आप देखिए दोस्तों, हर एक लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं। इवन मार्केट इसके ऊपर जा चुका है फिर भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कल तो भाई इसके मार्केट नीचे आएगा बोल के, गलती से दोस्तों कल के दिन मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ तो रॉकेट मूव देखने को मिलेगा। और दोस्तों पुट राइटर कहां पे बैठे हैं, जो मैंने आपको अभी लेवल बता रहा था, रीजन समझ में आ गया ना, 15,800 28 लाख प्लस पुट राइटर कितना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आप देखिए, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 28 लाख प्लस पुट राइटर बैठे हैं 15,800 के लेवल पे, अगर 15,800 लेवल टूटा तो हमें पुट बाय करना है, उससे पहले पुट के बारे में नहीं सोचना है, कॉल बाय के बारे में सोचिए। कॉल राइटर फंसने वाले हैं दोस्तों कल के दिन, अगर गलती से मार्केट ऊपर निकलना चालू हुआ, लेवल टूटा तो कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉल बाय करेंगे। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, एंड अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।